हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बैंकिंग सीरीज और डिजीज अवेयरनेस सीरीज को बहुत प्यार दे रहे हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कि मैं अभी तक जो भी बैंकिंग सीरीज की कोई भी वीडियो बनाता था तो मैं अकेले ही परफॉर्म करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता था। जो भी मुझे पता लगता था कि आप लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी है, आप लोग भी इस चीज को जाने। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक पेपर में आर्टिकल छपा था जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक से था। उसमें जो चीजें छपी हुई थी, जो बातें बताई गई थी, तो उसके रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें भी लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है और बैंक आपको किस तरीके से बेनिफिट दे पाएंगे। उसी के संबंध में मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच मैनेजर सर मिस्टर पंकज कुमार गुप्ता जी से मेरी इस रिगार्डिंग बात भी हुई, जिन्होंने मुझसे मतलब बात होने पर उन्होंने भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि लोग इस चीज से जुड़े और लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो, जिससे कि वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, उन चीजों को वो जान पाए, उन्हें पा सके। क्योंकि बहुत से लोगों को कम जानकारी होने की वजह से या जानकारी पूरी तरीके से ना होने की वजह से उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए ये पहली बार है कि मेरे चैनल पर एक ब्रांच हेड के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि पहली बार ही इस चैनल पे कोई ब्रांच हेड मेरे साथ इन चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत प्यार देंगे। और सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो निशांत जी, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपका मैं बराबर यूट्यूब पर चैनल देखता हूँ, मैं बैंकिंग सीरीज भी देखता हूँ और मुझे काफी खुशी होती है कि आप ऐसे ऐसे मतलब इवेंट्स डालते हैं उसमें जिससे आम लोगों को एक नई जानकारी मिले और लोग सरकार द्वारा निकाली गई सुविधाओं का लाभ उठा सके। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने भी कुछ दिन पहले एक गांव में कैंप लगाया था और हिंदुस्तान पेपर में उसका आर्टिकल भी आया था। तो मैं भी इच्छुक रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि हाँ, लोगों को पता चले कि बैंकों के माध्यम से क्या क्या लोगों के लिए निकाली जा रही है। तो मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो पेपर में जो आपने आर्टिकल दिया था उसमें ये लिखा हुआ था कि 25 अगर अकाउंट किसी गांव से हमारे बैंक में खुल जाते हैं तो वो गांव हमारे सर्विस एरिया में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये बताने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से गांव वाले जो बैंकिंग टर्म्स होते हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, तो इसको एक ले लैंग्वेज में आप ये बताने की कोशिश करें कि ये सर्विस एरिया का मतलब क्या है और ये 25 अकाउंट के पीछे क्या बात है। जैसे अभी भी मैं क्या देख रहा हूँ सर, कि लोग बैंक से जुड़ने के लिए सोच रहे हैं। हम काफी आगे निकल चुके हैं, काफी टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग सोचते हैं किसी काम को करने से पहले। उनके लिए बैंकों में जाना एक लगता है बैंक में जाना है, जिसके कारण मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि वो बैंक तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं ही उनके पास पहुंच जाऊं। तो मैंने ग्राम प्रधान से संपर्क किया, उनको अपने बैंक के बारे में बताया कि भाई हमारा भाई पंजाब एंड सिंध बैंक है, शाखा बदायूं है हमारी, और आप अपने गांव को हमसे जोड़िए ताकि सरकार अगर कोई भी योजनाओं का लाभ जनता को देना चाहती है तो चूंकि बैंक के ही माध्यम से दी जाती है, तो अगर आप लोगों को हमसे जोड़ेंगे तो लोग सरकार से जुड़ेंगे। तो हमने एक स्कीम निकाली कि कोई भी गांव जो हमारे सर्किल एरिया में 15 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक में आते हैं वो चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का तात्पर्य ये हो गया कि हम उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाओं देंगे, जैसे खाता खोलने की सुविधा देंगे, एटीएम की सुविधा देंगे, उनको हम सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना हम देंगे, उनको हम जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताएंगे, उनका लाभ बताएंगे, हम उनको हम अटल पेंशन योजना के बारे में बताएंगे जो बहुत ही प्रभावशाली योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है बैंकों के माध्यम से। तो मैं गया और मैंने लोगों को बताया वहां पर कि हाँ, ये सब बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है ना सर, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 1000, आजकल देखते हैं तो मिनिमम बैलेंस 1000 रुपया होता है, तो लोगों को 1000 रुपये से खाता खुलवाना काफी महंगा लगता है। सोचते हैं कि 1000 रुपया होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो मैंने एक विकल्प दिया कि आप 100 रुपये से भी खाता खुलवा कर आप बैंक से जुड़ सकते हैं, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिला।
लोग बैंक से जुड़े, काफी अच्छा खासा खाता भी खुले और लोग इच्छुक हैं कि दोबारा कैंप हम लगाएं। अच्छा सर, जैसे कि आपने इसमें इंक्लूड किया कि सरकारी योजनाएं भी हम उन तक प्रोवाइड कर सकें, और वैसे भी आप तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से अभी अभी ट्रांसफर होके आए हैं और वहां पे आपको NRLM के थ्रू आपको सम्मानित भी किया गया। जी सर, तो ये तो बहुत ये तो अच्छी बात है कि आप उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और तो इसके बारे में थोड़ा जो योजनाएं हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया इंश्योरेंस के बारे में, जो कि जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाएं हैं, तो सरकारी योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक अभी उन चीजों का ज्ञान नहीं है, जानते नहीं है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं? सर, सबसे पहले तो अगर कोई भी व्यक्ति हमारे बैंक से जुड़ जाता है, सरकारी क्षेत्र के बैंक से, जैसे अगर मान लीजिए हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक से कोई कस्टमर अगर जुड़ जाते हैं, बचत खाता उनका हमारे पास हो जाता है, और वो सरकार की तरफ से चलाई गई विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जिसमें तीन योजनाएं मैं काफी प्रभावशाली मानता हूँ बैंकों जो बैंक में चल रहा है। जो सबसे प्रभावशाली है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें क्या है सर कि अगर कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा लेता है और सिर्फ 12 रुपया सालाना, अर्थात सिर्फ 1 रुपया महीने का अगर वो बैंक को पे करता है इस बीमा योजना के अंतर्गत, तो दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। दूसरा चीज है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 330 रुपए प्रति माह इसको इसमें पे करना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से 80 पैसा प्रतिदिन होता है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए निकाला गया है जो मतलब गरीबी रेखा में आते हैं, जिनको बीमा एक सपना जैसा लगता है कि जैसे अगर हम अन्य कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो 10,000-15,000 रुपए सालाना पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है सर, सिर्फ 330 रुपए सालाना पे करना है। तो मैं जब मिर्जापुर में था तो मैं गांव गांव घूमता था और देखता था कि किसको बीमा की जरूरत है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 330 रुपए और 12 रुपए सालाना पे कर सकते हैं, और मैंने कम से कम नहीं तो 800-900 लोगों का बीमा किया था। और कभी भी ऐसी कोई स्थिति आई जैसे लोगों की मृत्यु हो गई, तो मैं व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर करके उनको सरकार की तरफ से पैसा दिलवाता था 4 लाख रुपए, 330 रुपए का 2 लाख रुपए का मिलता है और 12 रुपए का 2 लाख का मिलता है। तो लोगों को तो लगता है कि क्या है बीमा नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो संतावना देने की तो लोग बहुत आते हैं कि किसी भी चीज की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा सर, लेकिन उस स्थिति में कोई भी 1 रुपए का मदद नहीं करता है। लेकिन बैंक के माध्यम से अगर ये बीमा कोई करवाए हुए हैं और 4 लाख रुपए की राशि की मदद मिल जाए, तो मुझे लगता है कि भावनाओं का जो नुकसान होगा उसे तो नहीं पूर्ति किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करके उनकी स्थिति को संभाला जा सकता है। तो ये जो बीमा योजना सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है, इसी की जानकारी मैंने कैंप में दी और लोग काफी प्रभावित भी हुए और काफी लोग जुड़ भी रहे हैं सर, इससे आ रहे हैं, एक को बता रहे हैं तो 10 उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अच्छा सर, पेपर में जो आपने आर्टिकल दिया था उसमें आपने जो पेंशन योजना है उसके रिगार्डिंग भी आपने जिक्र किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करने के। जी जी सर, मैं बताना चाहता हूँ सर कि भारत सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से अटल पेंशन योजना एक बहुत ही प्रभावशाली और अच्छी योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या सर कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जो भी बैंक खाता धारक हैं, वो अपनी इस पेंशन योजना में नाम लिखवा सकते हैं। इसके लिए उनको एक न्यूनतम राशि, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष के हैं तो उनको मात्र 42 रुपए, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 25 साल के हैं तो 100 रुपए के आसपास, कोई व्यक्ति अगर 40 साल के हैं तो 200 रुपए के आसपास उनको महीने का अमाउंट कटवाना है अपने खाते से। कटवाते कटवाते सर ये जैसे ही वो वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं और 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, तो एक निश्चित अमाउंट, अर्थात 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जो विकल्प वो चयन करते हैं, उनको 60 वर्ष के बाद ऑटोमेटिकली मिलना वापस हो जाएगा पेंशन के रूप में, जिससे वो अपने जीवन में जो दैनिक जीवन में जो खर्च होते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें कॉर्पस अमाउंट भी है सर, जैसे 1 लाख पे अगर कोई व्यक्ति अगर 42 रुपए जमा करता है और जमा करते करते 60 साल तक पहुंच जाता है वो, और पेंशन वाला भी चालू कर देता है और किसी समय भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1,70,000 का कॉर्पस अमाउंट भी उसको मिलेगा उसके नॉमिनी को। तो इसके बारे में गांव के लोगों ने पूछा, बोला हमसे कि सर मतलब 60 वर्ष तक कौन देखा है, तो चूंकि उनकी सोच को हमें बदलना है,
और मैंने उनको बताया कि देखिए सर, आप डेली का 20 से 25 रुपए अनचाहे खर्च कर देते हैं, जैसे गुटखा खाना हो गया, पान खाना हो गया, अन्य खर्चे हो गए, जिससे हमारे शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मैंने उनकी सोच को थोड़ा बदला। मैंने कहा कि क्यों ना हम इन सभी चीजों को बंद कर दें जिससे जीवन को हानि पहुंचती है, और अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा अभी से बचा कर चलें। तो लोग काफी प्रभावित हुए और बहुत ही कम समय में काफी अच्छा हमें इसका रिप्लाई मिला। एक्चुअली सर, लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि हाँ, मैं लोगों को धीरे धीरे करके जानकारी देते रहूं, और विश्वास मानिए सर कि अगर एक को जानकारी देते हैं तो वो 5 के पास पहुंच जाती है। तो मेरे हिसाब से ये अटल पेंशन योजना बहुत ही प्रभावशाली है। लोग इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और एक निश्चित पेंशन के रूप में पा सकते हैं। अच्छा सर, जो अकाउंट की बात जब हम करते हैं और सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही जो बहुचर्चित एक अकाउंट है KCC। जी सर, क्रेडिट कार्ड किसान लोगों के लिए जो होता है, उसकी फैसिलिटी भी क्या जो ये है उसमें, आपके जो सर्विस एरिया आता है क्या उसमें भी ये चीजें जुड़ जाती हैं क्या? जी सर, मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसका हमारे पास बैंक खाता है, किसी भी गाँव से हो, 15 से 18 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आता हो, तो हमारे यहाँ आकर KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा ले सकते हैं। ये एक प्रकार का ऋण है सर। लोग कृषि करने के लिए बैंक से अपनी जमीन को लोग अपने जमीन को जो है, जमीन का बंधक यहाँ पर रखकर आप मतलब KCC भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बैंक उनको 3 फसलों के लिए, कहीं कहीं 4 फसल भी होते हैं, कहीं कहीं 2 फसल भी होते हैं, तो जैसा खसरा में पाया जाता है उसके आधार पर उनको हम लोग KCC भी दे सकते हैं। जैसा कि हर एक जिला में एक कमेटी बनी होती है कि 1 बीघे जमीन पर, 1 एकड़ जमीन पर, 1 हेक्टेयर जमीन पर इतना रुपया हम किसानों को दे सकते हैं। तो कोई भी किसान अगर हमारे यहाँ बैंक खाता धारक है, पर्टिकुलर गाँव से है, तो वो KCC का ऋण का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, अगर सर मैं फाइनल अगर आपसे पूछूं कि मतलब फाइनली क्या क्या चीजें और आप कुछ बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं लोगों को कि इसके बारे में और भी जानकारी, तो आप एक फाइनली वर्डिक्ट था कि इस तरीके से क्या होगी? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपके द्वारा यही सूचना देना चाहूंगा कि आप बैंक से जुड़िए। सरकार बहुत कुछ कर रही है आम लोगों के लिए, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये सूचना देना चाहूंगा कि बैंक से जुड़िए और कम से कम नहीं तो ये 3 योजनाओं का लाभ जरूर उठाइए, जो कि उनके भविष्य का निर्धारण करेंगे। जैसे कि अटल पेंशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई। तो ये 3 ऐसी स्कीम है सर जो खाता होने पर ही संभव है, और अगर कोई व्यक्ति इसमें जुड़ते हैं तो इनका भविष्य उज्ज्वल रहेगा और कम कीमत में बीमा का लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम दिया और बहुत से लोगों को जो गांव वाले लोग हैं, तो क्योंकि बहुत से लोग चैनल को देखते रहते हैं वीडियोस को, तो क्योंकि ये सब जानकारी ऐसी है, वो लोग अगर बैंक में आते भी हैं तो वो जानकारी पूरी ले नहीं पाते हैं, या तो बिजी शेड्यूल की वजह से आप कह सकते हैं, या फिर किसान के पास भी समय नहीं होता, या फिर बैंक में आता है तो हम भी उन्हें प्रॉपरली टाइम हो सकता है कभी नहीं दे पाते हो, क्योंकि काम कस्टमर और भी डीलिंग होती है। तो आपने इतना टाइम दिया और ये जो आपने शुरू किया है एक मुहिम जिससे कि लोग तक ये सारी बातें पहुंचे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि अब आपने जाना कि जैसा सर ने बताया कि सरकार बहुत सी योजनाओं को लॉन्च करती है, क्योंकि ये सब आप ही के लिए है, लेकिन केवल आप तक जानकारी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती, तो आप उस योजना को लेने से थोड़ा सा डरते हैं, आपको लगता है कि कहीं ये अमाउंट हमारा वेस्ट ना हो जाए या कहीं खराब ना हो जाए, बैंक हमसे क्यों कट पा रही है। तो आप जब भी ये जो योजनाएं सरकार बनाती है ये आप ही लोगों के लिए है, तो आपका हक बनता है कि आप बैंक में जाके इन सुविधाओं के बारे में अच्छे से जानकारी लें, और अगर पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है सही तरीके से, तो आप ब्रांच हेड से बात करें जिससे कि आप इन सुविधाओं का अच्छे से फायदा उठा पाए, जो कि आप ही के लिए बनी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और
ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इन योजनाओं के बारे में जान सके। अगर आपका किसी भी तरीके का इस वीडियो से रिलेटेड या बैंकिंग सीरीज को लेकर कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।